हाय गाइस, इस वीडियो में 36 इंच साइज बेल्ट ब्लाउज की कंप्लीट कटिंग आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो में दो पॉइंट को कवर करने वाली हूँ। जैसे जो पहला पॉइंट, डीप नेक ब्लाउज का शोल्डर क्यों गिरता है, इसे कैसे ठीक किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि बेल्ट ब्लाउज में जो डॉट का निशान है वो कैसे लगाएं। इन सब समस्याओं का सोल्यूशन इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ। वीडियो पे शुरू से एंड तक जरूर बने रहिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज है वो आपसे छूटे नहीं। नमस्ते, मैं हूँ ज्ञानती, स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल ज्ञानती फैशन पे। वीडियो में कहीं पे कुछ डाउट लगे तो आप इस WhatsApp नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। गाइस, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बेल आइकन आएगा उस पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगी तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाए। तो यहाँ पे ज्यादा बातें न करेंगे और वीडियो को शुरू करेंगे। ये नाप कुछ इस तरीके से है। ब्लाउज की जो तैयार लंबाई है 14 इंच है, सीना 36 इंच है, कमर 32 इंच है, सामने का जो गला है वो 6.5 इंच का है, पीछे का जो गला है वो 11 इंच, आस्तीन की जो तैयार लंबाई है 4 इंच की है और उसकी मोहरी है यानी कि गोलाई वो 6.5 इंच। टोटल जो ये नाप है पुराने ब्लाउज से लिया गया नाप है। गाइज, अगर ब्लाउज का नाप लेना सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से देख के नाप लेने के लिए सीख सकते हैं। तो पेपर को साइड में रखेंगे और लाइनिंग को बिछाएंगे। किस तरह से बिछाना है इसको देखेंगे। तो देखिए, मीडियम साइज का ब्लाउज 80 सेंटीमीटर में हो जाता है, लेकिन अगर आप हैवी चेस्ट का ब्लाउज बना रहे हैं तो 1 मीटर कपड़ा लीजिएगा। देखिए, कुछ इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए, ये 36 इंच इसका चेस्ट साइज है, तो 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 इंच। अब यहाँ पे हम 1.5 इंच 2 इंच अपने हिसाब से मार्जिन लेके कपड़े को फोल्ड कर लिए। लेकिन एक बात को आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम बैक वाले पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। अगर हम फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करते हैं तो मार्जिन जैसे यहाँ पे 2 इंच लिए हैं तो यहाँ पे हम 3 इंच रख के उसके बाद से कटिंग करें। ये फोल्डेड वाला साइड है और ये खुला वाला साइड है, इसको ध्यान रखना है। कपड़े को बराबर करेंगे। अब देखिए, जो ब्लाउज की तैयार लंबाई है वो 14 इंच है तो हम इसमें लेंगे 15, 1 इंच बढ़ाकर लेंगे। अब 1 इंच क्यों बढ़ा रहे हैं? 1 इंच हम बढ़ा रहे हैं कि 1/2 इंच कमर में सिलाई मार्जिन में चला जाएगा और 1/2 इंच शोल्डर के सिलाई मार्जिन में चला जाएगा, इसलिए इसी निशान पे इस तरह लाइन बनाएंगे। पहला पॉइंट है कि डीप नेक ब्लाउज का शोल्डर क्यों गिरता है और इसे कैसे ठीक करें, तो चलिए देखते हैं। ये शोल्डर के लिए, अब देखिए पीछे का गला डीप है यानी कि 11 इंच का है, तो हम यहाँ पे शोल्डर कम रख, कितना कम रखना है, यहाँ पे हम रखेंगे 5.5, 5.5 इंच पे निशान बनाएंगे। अगर आप छोटे गले का ब्लाउज बना रहे हैं तो 1/2 इंच बढ़ा लीजिएगा। इसका गला डीप है इसलिए हम 5.5 शोल्डर रख रहे हैं, इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे लाइन बना देंगे। अब यहाँ पे हम आर्म होल लेंगे, 36 इंच का साइज है तो 6.5 इंच इसमें आर्म होल हम लेंगे। गाइस, ये आर्म होल चेस्ट साइज के अकॉर्डिंग यानी कि हिसाब से चेंज हो जाता है, इसको ध्यान रखना है। इस तरीके से लाइन बना देंगे। अभी पीछे वाला पार्ट है तो यहाँ पे हम 1.5 इंच पे गोलाई देंगे। कुछ इस तरीके से, अब देखिए यहाँ पे 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 इंच। अब यहाँ पे हम 1.5 इंच रखेंगे सिलाई मार्जिन। सेम इसी तरह से कमर को भी करना है। जैसे कि कमर है 32 इंच तो 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 इंच। 1 इंच हम लेंगे डॉट के लिए और यहाँ पे 1.5 इंच हम रख सिलाई मार्जिन। उसके बाद से इस तरह निशानों को जोड़ लेना है। अब ध्यान देना है कि यहाँ पे डीप नेक का ब्लाउज है तो गला का विड्थ तरह से रखना है। तो देखिए, यहाँ पे हम रखेंगे 2.5 इंच, पीछे का गला है 11 इंच तो 11 इंच पे निशान लगाएंगे। नीचे से आप गले को थोड़ा सा ब्राउंड बना सकते हैं, 2.75 इंच 3 इंच तक कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से निशान बना के बॉक्स बना लेना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, टक्स के लिए बहुत ही आसान तरीका है, टेप को ही फिटिंग वाले लाइन पे रखना है और इस तरीके से एक बार इसको फोल्ड कर, जहाँ भी आपका फोल्डेड आएगा वहाँ पे निशान बना लीजिएगा। उसके बाद से इस टक्स की लंबाई को हम कम रखेंगे क्योंकि ये जो गला है वो काफी डीप है, तो हम यहाँ पे 3.5 इंच पे इस टक्स को लगाएंगे। अब देखिए, पीछे वाला डॉट है इसको हम 1/2 इंच पकड़ के और डॉट को लगा लेते हैं, यानी कि टोटल 1 इंच पे डॉट तैयार हो जाता है। इस तरह शेप बना देंगे। अब गला का जो शेप अपने मन चाह दीजिएगा। अब देखिए, डीप नेक का ब्लाउज है तो यहाँ पे 1/2 इंच गले के तरफ डाउन कर लेना है। ये डाउन करने से जो गला है यानी कि ये डाउन करने से जो आपका शोल्डर है गिरेगा नहीं,
इसलिए इस तरह डिप नेक में डाउन कर लेना। अब इसको हम कट कर लेंगे। देखिए गला की कटिंग हम नहीं कर रहे हैं, इसका डिजाइन का वीडियो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। अगर आप चौरस गला बनाना चाहते हैं तो सेम इसी तरह कट कर लीजिएगा। राउंड लेंथ बनाना चाहते हैं या कोई डिजाइनर गला बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। इस तरीके से इसको कट कर लेंगे। देखिए कपड़े को फोल्ड कर लिए हैं। अब हम सामने वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए कितने इंच पे इसको फोल्ड किए हैं, तो यहाँ पे टोटल हम 12 इंच पे कपड़े को फोल्ड किए हैं। हाफ इंच का ये मार्जिन बनाए हैं हुक और हाई के लिए, इसको ध्यान रखना है। अब इसको इस तरीके से रखेंगे जमा, नीचे से 1 इंच छोड़ते हुए, देखिए ये 1 इंच है, 1 इंच छोड़ते हुए हुक हाई का जो मार्जिन है उसको बाहर निकालते हुए इस तरीके से हम रख लेंगे। अब इसको सेम ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये गला का विड्थ है, उसका भी हम निशान इस तरीके से लगा लेंगे। अब इस पार्ट को हम साइड में रखेंगे और सबसे पहले आर्म होल को बनाएंगे। देखिए ये सामने वाला पार्ट है, तो इसकी जो आर्म होल की गोलाई है हम 1 इंच पे दें। देखिए जो बिगिनर्स हैं राउंड देने में दिक्कत होता है, तो देखिए इस तरह से राउंड दीजिएगा, बहुत ही आसान तरीका है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है जितना इंच आप ले रहे हैं आर्म होल, इस तरीके से टेप रख के एक बार इस तरीके से फोल्ड कर लेना। उसके बाद यहाँ पे 1/2 इंच अंदर के साइड में लेना है, आप कुछ इस तरीके से राउंड को देंगे। इस तरह से राउंड देने से जो आर्म होल की फुलान की समस्या है वो नहीं होगी, इसको ध्यान रखें। देखिए जो गला है सामने का वो है 6.5 इंच, तो 6.5 इंच पे निशान यहाँ पे बनाएंगे। उसके बाद से गला को नीचे से थोड़ा सा ब्राउन आप कर सकते हैं, 2.75 इंच मैं कर रही हूँ, आप चाहे तो 2.5 इंच भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गला को थोड़ा सा ब्राउन करते हैं, जो गला का लुक है काफी अच्छा लगता है। अब देखिए एक बात का आपको ध्यान देना है कि ये मार्जिन छोड़ के उसके बाद से यहाँ पे हम 2.75 इंच लिए हैं, उसके बाद से इस तरीके से हम राउंड नेक बना लेंगे। अब यहाँ पे जो फिटिंग वाली लाइन है उसको भी हम इस तरीके से बना लेंगे। दूसरा पॉइंट कि बेल्ट ब्लाउज में जो बेल्ट का निशान है वो कैसे लगा, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए इस साइड से हम हुक और हाई के तरफ से हम 3.5 इंच ये हम लेंगे, बेल्ट के लिए 1 इंच जो बढ़ाए हैं 1/2 इंच दोनों तरफ से यहाँ पे सिलाई में चला। अब यहाँ पे 2.5 इंच पे एक और निशान बनाएंगे और इस तरीके से लाइन बना दें। अब ध्यान दीजिएगा जो ये टक्स है, ये 1/2 इंच जो हुक हाई के लिए मार्जिन लिए हैं उसको छोड़ के यहाँ पे हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे जो डॉट की लंबाई रहेगा वो हम रखेंगे इसमें 2 इंच। तो यहाँ पे निशान बनाएंगे, यहाँ पे लाइन बना देंगे। अब ध्यान दीजिएगा ये जो डॉट है इससे यहाँ पे 2.75 इंच लेंगे। अब ध्यान दीजिएगा इससे इस डॉट से 1/2 इंच ऊपर ले लेना है आपको, तो देखिए ये 1/2 इंच ऊपर हम लिए हैं, इसी तरह से 1/2 इंच ऊपर लेते हुए 2.25 इंच पे यहाँ पे निशान बना। और जो ये तीसरा डॉट है ये हम बनाएंगे 2.25 इंच का, ये जो आर्म होल में चला जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे लाइन बनाएंगे, देखिए यहाँ पे आपको 1.5 इंच से 2 इंच तक छोड़ के उसके बाद से इस लाइन को इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ भी आपको 2 इंच से 2.5 इंच तक छोड़ना है, उसके बाद से इस लाइन को बना लेंगे। अब इसको आर्म होल में मिला लेना है। अब ध्यान दीजिए कि ये जो डॉट है ये 1/4 इंच कपड़ा पकड़ेगा। अगर आप 1/4 इंच, 1/2 इंच, 1/4 इंच, 1/2 इंच नहीं समझ पाते हैं तो हमारे चैनल पे इंची टेप का सेपरेट वीडियो अपलोडेड है, आप वहां से देख के समझ सकते हैं कि किस तरह से किसको 1/2 इंच, 1/4 इंच, 1/4 इंच बोला जाए। 1/4 इंच होता है 1 इंच में 2 पॉइंट का 1/4 इंच होता है। यहाँ पे 1/4 इंच पे निशान बनाएंगे डॉट के लिए और इस तरीके से हम शेप बना देंगे। देखिए ये टोटल 1.5 इंच का डॉट तैयार हो जाएगा। ये जो तीनों डॉट है ये 1/4 इंच कपड़ा पकड़ के लगता है, यानी कि टोटल दोनों तरफ से कपड़ा पकड़ेंगे तो ये 1/2 इंच पे तैयार हो जाए। अगर आप लोग आसान तरीके से
सिलाई सीखना चाहते हैं तो कोर्स है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर है, उस पे आप कॉल करके कोर्स की पूरी डिटेल ले सकते हैं। अब देखिए, जब ये डॉट लगाएंगे, जो पीछे वाला पार्ट है उसे सामने वाला पार्ट छोटा पड़े, इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम 1.5 इंच बढ़ा लेंगे और 1/2 इंच यहाँ पे बढ़ाएंगे। ये 1/2 इंच इसलिए बढ़ाएंगे ताकि जब ये दो दो पॉइंट पकड़ के अब जब ये टक्स लगाएंगे तो 1/2 इंच ये हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो इसलिए 1/2 इंच यहाँ पे आपको बढ़ा लेना है। उसके बाद से इस तरीके से लाइन बना दे। अब देखिए यहाँ पे 1/4 इंच पे एक और निशान बनाएंगे और इस तरीके से बेल्ट का शेप दे देंगे। देखिए डीप नेक का ब्लाउज है तो यहाँ पे 2 पॉइंट हम यहाँ पे डाउन कर लेंगे ताकि जो गिरने का चांस है शोल्डर गिरने का वो नहीं गिरेगा, इसलिए अब इसको हम कट कर लेंगे। गाइज, अगर आप सिलाई सीखना चाहती हैं तो हमारे चैनल पे बेल्ट ब्लाउज की सीरीज चालू की हूँ, आप वहाँ से देख के बहुत ही इजी तरीके से बेल्ट ब्लाउज की कटिंग सीख सकती हैं। देखिए बेल्ट ब्लाउज की कटिंग को मैं कई तरीकों से बताई हूँ, जो भी आपको आसान लगता है वो आप सीख सकती हैं। फिटिंग की बात करें तो लगभग फिटिंग सबकी बराबर आएगी, बस तरीका अलग अलग है कटिंग करने का, जो भी आपको आसान लगे वो आप सीख सकते। देखिए कुछ इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। गाइज, अगर आप लोगों को ब्लाउज की कटिंग समझ में नहीं आती है या परफेक्ट फिटिंग नहीं आती है तो आप ब्लाउज का पेपर कटिंग खरीद सकते हैं। पेपर कटिंग खरीदने के लिए स्क्रीन पे नंबर है, उस पे आप कॉल करके पेपर कटिंग की पूरी डिटेल ले सकते हैं। अब देखिए इसको साइड में रखेंगे और आस्तीन की कटिंग। देखिए आस्तीन कटिंग करने के लिए कपड़ा छोटा पड़ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पिन से सेट कर लेंगे, बाद में हम इसको सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए कपड़े को, ये 2 फोल्ड है, अब इसको हम 4 फोल्ड। पहले कपड़े को हम बराबर करेंगे, आस्तीन की जो तैयार लंबाई है वो है 4 इंच तो हम इसमें बढ़ाकर लेंगे 4.5 इंच, 1/2 इंच लेंगे। आर्म होल की तरफ सिलाई मार्जिन और आगे के साइड में हम मोरी की तरफ पाइप पिन लगाएंगे, इसको ध्यान। अब यहाँ पे 4.5 इंच पे एक और निशान लगा देंगे और इस तरीके से लाइन बना देंगे। अब देखिए जो मोहरी है आस्तीन की वो है 6.5 इंच तो यहाँ पे निशान बना लेंगे। अब इस साइड से हम 2.5 इंच पे एक और निशान बनाएंगे कुछ इस तरह और लाइन बना देना है। अब देखिए यहाँ पे हम लिए हैं 6.5 इंच तो यहाँ पे हम लेंगे 7.5, 1 इंच हम बढ़ाकर लेंगे। ये आस्तीन कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच आस्तीन आप बना रहे हैं तो इस तरीके से आप बहुत इजी तरीके से बना। अब यहाँ पे जितना ब्लाउज में मार्जिन रखे हैं 1.5 इंच उतना ही मार्जिन इसमें भी यहाँ पे 1.5 इंच रखेंगे और इस तरीके से लाइन बना देंगे। अब देखिए यहाँ से 2.5 इंच उसके बाद से इस तरीके से आस्तीन का शेप दे। अब इसको हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पे सेंटर में कट लगाएंगे, उसके बाद से इस आस्तीन को हम खोल लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 1/4 इंच का शेप देंगे, 1 में 2 पॉइंट का, उसके बाद इसी तरह से शेप को दे देना है। ये शेप देने से जो आस्तीन में फुलान की समस्या है वो नहीं आएगी, इसलिए ब्लाउज की कटिंग कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग सिलाई में इंटरेस्टेड हो, सिलाई सीख के बुटीक खोलना चाहते हो, कस्टमर का कपड़ा सिलना चाहते हो या सिलाई सेंटर खोलना चाहते हैं या खुद का अपना कपड़ा सिलना चाहते हैं, इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में 8 प्रकार के ब्लाउज के पैटर्न सिखाए जाएंगे, साथ ही साथ जिप लगाने का तरीका, ब्लाउज में कप कैसे अटैच करते हैं, पाइपिंग कैसे लगाते हैं, ब्लाउज में कॉलर कैसे लगाते हैं, साथ ही साथ एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग कैसे की जाती है, ये सब कुछ आपको सीखने के लिए मिले। नेक्स्ट वीडियो में 38 इंच साइज बेल्ट ब्लाउज की कटिंग सिखाने वाली हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।